वेलकम बैक टू पीपाज वर्ल्ड। मैं इस ब्लॉग में आपके लिए बिहार की कुछ ख्यातियाँ लेकर आई हूँ। हम लोग अपने घर बिहार आ चुके हैं दिवाली एंड छठ पूजा के लिए, और आज हम लोग परशुराम स्थान जा रहे हैं जो कि मोकामा में स्थित है। मैं, पीयूष, माँ और पापा निकल चुके हैं दर्शन के लिए, और आज यहाँ ड्राइविंग का जिम्मेदारी पापा के ऊपर आया है और पापा ड्राइव कर रहे हैं, और पीयूष अभी रेस्ट मोड पे हैं क्योंकि वो बहुत ड्राइव कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी के बाद न्यू कपल को हमेशा यहाँ पे लेके आते हैं दर्शन के लिए, पर जब भी मैं आती थी टाइम इश्यूज़ होता था जिसके कारण मैं नहीं आ पाती थी यहाँ दर्शन के लिए। तो इस बार हमने पहले से ही प्लान करके रखा था कि आने के नेक्स्ट डे ही हम जाएंगे दर्शन के लिए। और यहाँ पे माँ मुझे पूजा करने का प्रोसेस बता रही थी कि इस मंदिर में कैसे पूजा करते हैं और क्या प्रोसेस है भोग लगाने का और आरती करने का। मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे हर मंदिर में आपको भोग लगाने के बाद आरती करने का प्रोसेस है, जो कि नॉर्मली हर मंदिर में ऐसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सभी लोग भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करते हैं। यहाँ हम दोनों ने भगवान से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके हम दूसरे मंदिर की तरफ निकले, और यहाँ पे हम इनका परशुराम जी का पूजा करने के बाद महावीर मंदिर में ही पहुंचे। मैं पूजा आपको करने मंदिर के कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि ये मंदिर और उसका कैंपस दिखने में कैसा है। जब भी आप बिहार आएं या कभी बिहार आने का मौका मिले तो इस मंदिर में आके दर्शन कर पाएं। महावीर जी के बाद हम वहाँ शंकर मंदिर में गए और वहाँ जाके हमने पूजा किया और पूजा करके वहाँ से निकले। पूरा कैंपस बहुत ही शांत था, आप चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये मंदिर हमारे घर से अराउंड 30-40 मिनट डिस्टेंस पे है, और फिर हम लोग दुर्गा जी के मंदिर में आए उनका पूजा करने के लिए। यहाँ पे दुर्गा जी की 7 बहन थी और उनके एक भाई भैरव जी का मंदिर था ये। इस मंदिर में जनरली मंडे के दिन बहुत भीड़ होता है, आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं था क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो नॉर्मली लोग अर्ली मॉर्निंग आके दर्शन करके चले जाते हैं वहाँ के। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि ये पीपल का पेड़ जब तक यहाँ हरा भरा रहेगा तब तक परशुराम जी का इस मंदिर में वास है, और जिस दिन ये पीपल का पेड़ सूख जाएगा मतलब परशुराम जी यहाँ से चले गए हैं। इस कैंपस में सारे मंदिर में पूजा करने के बाद लोग यहाँ आते हैं और इस पेड़ के नीचे बैठ के प्रसाद खाकर और इस चापाकली पे हाथ धुलते हैं, और फिर हमने लास्ट में सारे मंदिर में प्रणाम करते हुए वापस अपने घर के लिए निकल गए, और लास्ट में हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। और जब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बिहार आएँ या आपको बिहार आने का मौका मिले तो इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आएँ, आपको यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील होगा। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ एक सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ, उसका भी फुल ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बिहार की कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।